बच्चों जब देखो तब तुम लोग खेलते ही रहते हो, कभी अन्य कार्य नहीं करते हो, पढ़ाई की बात तो तुमको आती ही नहीं है। जब देखो तब खेलना, स्कूल जाना, स्कूल से आना और खेलना, पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं है। बताओ आज स्कूल में क्या पढ़ाया गया है? दादाजी आज हमें स्कूल में ना पृथ्वी के बारे में बताया गया है और आकाशीय पिंडों और ग्रहों के बारे में बताया गया है। गुरुजी उसी के बारे में बता रहे थे। अच्छा, तुम लोग स्कूल में अगर मन से पढ़े हो तो बताओ, आकाशीय पिंडों, सूर्य चांद तारों और ग्रहों की खोजबीन करने वालों को क्या कहते हैं? अरे वाह, उन्हें तो मालूम है, खगोल वैज्ञानिक। चलो अच्छा ये बताओ, सौर परिवार का सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? दादाजी सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है। बहुत अच्छा, क्या खूब जवाब दिया। ठीक है। अच्छा बताओ, प्रत्येक ग्रह में वस्तुओं को अपनी ओर खींचने की शक्ति होती है, इसको क्या कहते हैं? दादाजी इसको गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। अच्छा एक बात और बताओ, चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति कौन थे? दादाजी चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे और वह 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहुंचे थे। बहुत अच्छा, तुम लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। इससे पता चलता है कि तुम लोग स्कूल जाते हो तो अध्यापक की बात बहुत गौर से सुनते हो। इसी तरह मन लगा कर बेटा पढ़ा करो, और जब भी कोई प्रश्न पूछे, बाहरी आदमी कोई पूछे तो उसे बताया करो, बहुत अच्छा, वेरी गुड।